बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी, जिसके लिए हमें चाहिए होगा, ये मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है और ये आधा किलो मैंने सेला चावल लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया है। इसको कम से कम आधा घंटा भीगा रहने देंगे। ये मैंने दो मीडियम प्याज लिए, जिसको मैंने काट लिया है। चार से पांच हरी मिर्च है, दो तेज़पत्ता, पांच लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर ले लिया मैंने, कुकर में गोश्त डाल लेंगे। इसी में चले जाएंगे सारे खड़े मसाले। इसी में प्याज जाएगी, इसी में चले जाएंगे दो चम्मच तेल। तेल आप कोई सा भी यूज करिए, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल। मैं रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। अब इसी में नमक जाएगा, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए। एक चम्मच गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है, ये सब डालकर फिर इसको रख देंगे गैस पे। गैस को कर लेते हैं ऑन। गैस को कर लेते हैं ऑन। बिस्मिल्लाह। इसको गैस पे रख दिया है मैंने, गैस ऑन हो गई। अब इसको जो है कम से कम आधा घंटा पका लेंगे, 20 से 25 मिनट। उसके बाद फिर आगे की तैयारी करते हैं। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। गैस को कर देंगे बंद, इसकी स्टीम निकाल लेते हैं। देखिए यखनी मेरी हो चुकी है तैयार। अब इसको कर देंगे साइड में। गैस को कर लेंगे हम। एक भगोना ले लीजिए, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें मैंने दो चम्मच तेल डाल लिया है। इसमें चली जाएगी प्याज। प्याज हो रही है लाल, इसमें जाएगा मसाले। ये मैंने लिए दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला। मिर्ची आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आप खाते हो। प्याज को अच्छे से गोल्डन होने तक पका लेंगे। प्याज देखिए अच्छे से हो चुकी है गोल्डन फ्राई। इसको मैंने निकाल लिया है साइड में। अब इसी में जाएगा ये शाहजीरा और ये काली मिर्च। इसी में सब मसाले डाल लीजिए। देखिए मसाला डाल दिया मैंने, हल्का सा पानी भी इसी में डाल लीजिए। इसको अच्छे से भून लेंगे। इसी में डाल लीजिए आधा कटोरी दही। ये
ये आधी कटोरी थी, मैंने पूरी डाली इसमें आधी कटोरी। इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाला भून चुका है, इसमें यखनी डाल दीजिए। ये यखनी पूरी इसी में डाल लेंगे। इसको 5 मिनट पकने देंगे, उसके बाद फिर चावल डालेंगे। इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब इसी में चला जाएगा। ये 2 गिलास पानी है, इसको डाल लीजिए। अब इसी में चावल डाल लेंगे। पानी को पक जाने दीजिए, फिर चावल डालेंगे इसमें। देखिए पानी पक गया है, अब इसी में चावल डाल लेंगे। इसको अच्छे से चला लेंगे। इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए। इसको अच्छे से चला के ढक देंगे। चावल पक गया, इसको धीरे आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे, एकदम धीमी आंच पे। उसके बाद फिर इसे चेक करेंगे। तैयार हो चुका है, अब इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यखनी पुलाव रेडी। ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, प्लीज आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।